रेडी हैं रेस के लिए, देखते हैं कौन सी जीतती है आज। 3, 2, 1 हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी स्कूल से आया हूँ और एक पार्सल मिला मेरे को, बाहर घर के बाहर रखा हुआ मिला। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग करते हुए। चलो स्कूल से आते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं। ये शायद मैंने ही मंगाया था कुछ हल्का, क्यों है इतना, कुछ नहीं है इसमें तो। वेटिंग मशीन मम्मी आपके लिए, आपके लिए जो आपने मंगाया था। तो गाइस ये मशीन है, तो अभी इसमें सेल डालते हैं। सेल ही आए थे इसके साथ, वो चल गई, चल गई, चल गई। पहले कुनाली का देखते हैं। एक और बैठा है, 6 किलो है, 6.5 किलो। 6 किलो क्या हुआ, खराब है मशीन। नहीं भाई, अब हमने केजी में सेट कर दिया, अब देखते हैं कुनाली का वेट। चलो रखो। हाँ कितना आ रहा है, 15 किलो, एग्जैक्ट 15 किलो। 15 किलो बोलो ना कुनाली, 15 किलो भी हो, बस 2 ही किलो बड़ा है। यहाँ आके गांव में 11 किलो का था, यहाँ 2 ही किलो बड़ा है इसका। मम्मी 4 किलो बढ़ गया मम्मी, 15 किलो में एक हाथ उठा सकता है। चल ओरियो का नापने भाई, ऊपर रख देते हैं यार, ओरियो को ऊपर ही नाप ले। ओरियो को अपनी गोदी में उठा के इसके ऊपर चढ़ जाओ, अपने वेट को उसका माइनस कर दो, इसका वेट अपने से माइनस कर दो। 34 कितना है, 34। चलो चाय जी गोद में लेंगे। गई सबसे मुश्किल काम है ओरियो गोद में लेना। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, गोद में क्यों नहीं आ रहा तू, गोद में क्यों नहीं आ रहा तू। इसको कंफर्टेबल फील कराते हैं पहले। चल चल, अरे गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, सिर्फ मम्मी ले सकती है गोद में, सिर्फ मम्मी गोद में, मेरी मम्मी के हाथ अंदर। मम्मी आप हाथ पकड़े ना, ना पकड़ूं भाई, कोई नहीं उठा पा रहा इसको भाई, कोई नहीं उठा पा रहा। चाची उठाई, अरे गाइस ओरियो कोई उठा ही नहीं पा रहा भाई। साहिल और मेरा बिल्कुल सेम है, चाची 53, चाची जी का 51। कुछ भी मम्मी से तो कम ही, 51 है आपका, ज्यादा ना चाहिए। हाँ क्यों ना चाहिए, ज्यादा ना चाहिए ना, साइज तो छोटा ही है मम्मी का। मशीन टूट रही तो नहीं, मम्मी बैक होलो, जाओ ना बैक होलो। अरे नहीं टूटेगी, 82। तो फिलहाल लंच करते हैं, आज बने भटकी दाल और चावल। इसके बाद पता कहाँ जाएंगे, कहाँ रेस करने, ब्लैक थार और रेड थार की, देखते कौन जीतता है। पेट्रोल लग रहा है मेरे को तो, अपनी वाली जीतेगी। ये देखो मैं चम्मच से खाता हूँ, ये हाथ से खाता है, हाथ से क्यों खाता है। तो गाइस फाइनली निरोल भी आ गए अपनी ब्लैक थार लेके, और हमारी रेड थार भी रेडी है रेस करने के लिए। रेडी है रेस के लिए, देखते हैं कौन सी जीतती है आज। मेरी छोटी क्यों लग रही है, हैं मेरी छोटी क्यों लग रही है, ग्रिल की वजह से वो लग गया है, कवर लग गया। चलते हैं, चलो मैंने तो आज टी शर्ट भी रेड डाली है थार को सपोर्ट करने के लिए। कुनाली मन कर रहा है, आ जाओ आज यहीं से आ जाओ। पीछे पैर रख, पीछे पैर रख। मिल चुकी है जगह, देखो जगह देखो, पूरी रोड आगे तक खाली है, और ये है मेन रोड, मतलब ये इसके बगल वाली रोड है जो कंस्ट्रक्शन है, और ये पैच पूरा खाली आगे तक। तो यहाँ पर कर सकते हैं, दोनों थारे मस्त अपनी रेडी है, एक मैनुअल डीजल एक पेट्रोल ऑटोमेटिक। 3, 2, 1 बोलूंगा मैं, ठीक है चलो रेडी हो। हाँ। निर्मल भैया 3, 2, 1 आगे चलो, आगे पेट्रोल आगे। फर्स्ट राउंड में अपनी रेड थार जीत चुकी है बहुत आसानी से, भाई का उड़ा है रेड थार ने ब्लैक, है ना। मजा आ गया भाई दोनों थारों को देख के, अभी आगे से आ रही है वो, जीत गया, इजीली हरा दिया ना, पेट्रोल तो पेट्रोल है, पेट्रोल है भाई पेट्रोल। तो गाइस अब बारी है सेकंड राउंड की, फर्स्ट राउंड में रेड थार इजीली जीत गई थी, अब देखते हैं सेकंड राउंड में कौन जीतता है। पता नहीं सेकंड राउंड में कुछ समझ नहीं आया। तो गाइस ड्रैग रेस हो चुकी है, लेकिन हमारी थार तो खराब हो गई भाई, तो ये जीती भाई क्योंकि ये नई है और इसने हराया भी, और हमारी तो खराब ही हो गई। एक राउंड अब इसको लेके चलते हैं महिंद्रा सीधा भाई, वही दिक्कत आ गई, भागे नहीं भाग रही, 20 से ऊपर नहीं भाग रही।
गाइस ड्रैग रेस के चक्कर में हमारी तो गाड़ी खराब हो गई, वही दिक्कत आ गई इसमें, अभी भाग ही नहीं रही, 20 से ऊपर भाग ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। अब चलते हैं महिंद्रा इसको ठीक कराने के लिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें। गाइस हम कुछ भी काम करते हैं ना, हमारा पोपट होता ही होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही आती है उसमें, पता नहीं ऐसे क्यों है। अच्छा ड्रैग रेस कर रहे थे, मैं जीत भी रहा था, फर्स्ट राउंड जीत भी गया था, दूसरे राउंड में तो भाग ही नहीं एकदम से, तीसरे राउंड में तो बिल्कुल ही बंद हो गई, मतलब साइन आ गया इसमें 3-4। अब देखते जो भी होगा, महिंद्रा ले जा रहे हैं इसको। मैंने एकदम से रेस दबा दी थी, एकदम से फुल रेस दबा दी थी, इस वजह से खराब हुई है। तो एकदम से दबा रहे थे। तो गाइस महिंद्रा पहुंच गए, अब चलते हैं अंदर। तो गाइस थार हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है, अब इसको ठीक कराते हैं मस्त। आपकी सही चल रही है? आपकी सही चल रही है? तो अभी गाइस वेट कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी थार ठीक हो रही है, अभी सभी अभी यहाँ बैठ गए। देखो कुनाली वहाँ बैठा है, साहिल वहाँ बैठा है। मेरा प्रॉब्लम पता क्या है, मैं एकदम से रेस दे रहा हूँ ना, वो प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम, एकदम से रेस दे रहा हूँ ना तो खराब हो रही है। मेरी भी तो उड़ गई थी लास्ट टाइम ट्रैक पे, भी यही हुआ था। है कुनाली, आपको मना कर रहे थे ना इसीलिए। अब देखो बोर हो रहे हो ना? नहीं हो रहे? न्यूज पेपर पढ़ रहा हूँ, न्यूज पेपर पढ़ रहा हूँ, न्यूज पेपर। गाइस अब मैं सोच रहा हूँ थार चेंज करने के लिए, बिकॉज ये बार बार दिक्कत आ रही है सेम। अब इसको ना एक बार अच्छे से मैं चलाता हूँ, अच्छे से ट्रैक पे भी चलाता हूँ, अच्छे से स्पीड देख रेस देख रहे। अगर इसको 2-3 बार और टेस्ट करता हूँ मैं, अगर सही नहीं चलेगी ना तो मैं चेंज कर लूँगा। फाइनली गाइस हमारी थार ठीक हो चुकी है, अभी ट्रायल पे गई है, उसके बाद फिर मैं ट्रायल लूँगा उसका अच्छे से एक बार। आ गई आ गई आ गई। तो गाइस घर पहुँचते हैं, हमको सरप्राइज मिला, देखो यहाँ पे न्यू बेड आ चुका है हमारा, सोफा कम बेड। ये खुलता भी है ना शायद, खुलता भी है ना, खोलना खोलना। अरे वाह, तो पूरा ही बाहर आ गया, तोड़ दोगे तुम। अब इस गद्दे को यहाँ रख दो, मस्त बेड बन गया। देखो भाई ये सही बना के, नए तकिए आ गए, देखो नए तकिए आ गए भाई। बहुत तेज लग रहे हैं, लग नहीं अपना, और भी लग गया सॉरी। मत करो ऐसा, हर समय मजा होती है अच्छी। हम चारों भाई सो सकते हैं? हाँ हम चारों भाई सो सकते हैं, 1-2-3-4। हमारी थार खराब हो गई, मतलब जैसी मैंने रेस दी ना तो उसमें लाइट आ गई। थार में गड़बड़ है भाई तेरी थार में, फिर ठीक कराई हमने, फिर ठीक कराई। वो कहीं भी ले जाओ फंस जाएगी वो थार में, तुम जाओगे ना बेटा फंसोगे, थार में दिक्कत है उसमें, कहीं भी जाते तो वो हो जाएगा। अगर तुम मान लो यहाँ से लंबा ट्रिप गए और वहाँ भी गड़ गई तो वही दिक्कत है। एक बार टेस्ट करते हैं इसको, एक बार नहीं है काम, 2-3 बार अगर और खराब हुई तो चेंज कर लूंगा फिर। कर ही लो, क्यों सोच रहे हो इतना? नहीं एक बार टेस्ट, 2-3 बार टेस्ट कर लेते हैं, अगर ये सेम दिक्कत आई तो करेंगे चेंज। तो गाइस अब मेरे को जाना है वीडियो अपलोड करने के लिए बोबी भाई के पास में, बिकॉज 4 दिन से हमारे घर में वाईफाई नहीं चल रहा, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, मुझे वहीं जाना पड़ता है, क्योंकि ना यहाँ पे ना पेड़ वेड़ कट रहे हैं तो उसे सारी वाईफाई की वायर्स कट गई है। तो हाँ पता नहीं वाईफाई कब चलेगा हमारा, कब मैं वीडियो, क्योंकि मेरी वीडियो 12-13 GB की एक वीडियो होती है, फ़ोन के नेट से हो नहीं सकती। मैं कह रहा हूँ वीडियो अपलोड करना, खाना तो खा जा, जाने से पहले खाना खा लेते हैं, बिकॉज लेट हो जाऊँगा ना मैं तो। आज पनीर की सब्जी बनी है गाइस, ये देखो ये सोफ़ा कितना मस्त लग रहा है, सही लग रहा है ना, मस्त है भाई, कंफर्टेबल भी है। स्काईडेक पहुंच गया, तो ये बॉय बे के ऑफिस में तो पहुंच गया, लेकिन बॉय बे नहीं है, मैं जल्दी से अपना काम करता हूँ। अभी 20 MB की स्पीड आ रही है, वीडियो अपलोड पे लगा दिए, 50 मिनट दिखा रहा है भाई। फाइनली वीडियो अपलोड हो गई है, एंड बॉय बे भी आ गए। और बॉय बे कैसे हो? बढ़िया यार। गाइस 12 बज गए, आज 12 बजे घर जा रहे हैं, 12 बजे 1 बजे पहुँचेंगे, सारे जा चुके, कोई भी नहीं यहाँ पे, सभी जा चुके हैं। अभी तक इंटरनेट नहीं चल रहा है गाइस यहाँ पे, तो और वैसे भी हम हल्द्वानी से काफ़ी दूर है, यहाँ पे नेटवर्क भी बहुत कम आता है, तो फोन का नेट भी नहीं चलता मेरा, तो आज मैं बिना नेट के ही हूँ। तो हाँ चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते गए नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या कर रहे क्या है? पागल पागल हो गए गाइस, पागल हो गए।